कल्याण में एसिड अटैक, तीन जख्मी, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। कल्याण में एसिड अटैक में तीन लोग जख्मी हो गए हैं। बता दें कि मोहजबीन अंसारी और टिंकू के बीच सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मोहजबीन टिंकू के घर पर कब्जा करना चाहता था, जो अब तक नहीं कर पाया था। शुक्रवार को टिंकू और मोहजबीन के बच्चों के बीच झगड़ा हो गया। मोहजबीन अंसारी टिंकू के घर में जाके झगड़ा करने लगा। झगड़े के बीच टिंकू ने मोहजबीन पर एसिड से हमला कर दिया, जिसमें से कुछ एसिड टिंकू पर भी गिर गया और टिंकू घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने टिंकू और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस स्टेशन में रखा है। कोळसेवाडी पुलिस स्टेशन च्या हद्दीत मेट्रो मॉल जवळ नेतीवली आनंद नगर झोपडपट्टी आहे, त्या ठिकाणी मोहजबीन आबिद मोमीन ही एक महिला राहते। त्या महिलाच्या घराच्या मागच्या बाजूला टिंकू मंडल नावाचा एक टॅटू काढणारा इसम राहतो। मोहजबीन आणि टिंकू यांच्यामध्ये टिंकूची जी झोपडपट्टीची जागा आहे ती जागा मोहजबीनला पाहिजे होती, त्याबद्दल दोघांमध्ये वाद होता। आज संध्याकाळी 4:30 सुमारास मोहजबीन ही टिंकूच्या घरी गेला असता त्या दोघांमध्ये वाद होऊन मोहजबीनच्या अंगावर टिंकूने काही ॲसिड टाकलेला आहे, त्यामध्ये टिंकू हा सुद्धा किरकोळ जखमी झालेला आहे। त्याचप्रमाणे डोंगरे नावाचा एक इसम जो भांडण सोडवण्यास आला होता तो सुद्धा यामध्ये किरकोळ जखमी आहे। याच्यामधील आरोपी टिंकू आणि त्याची पत्नी रेणू मंडल या दोघांनाही आम्ही अटक केलेली आहे। स्पेशल डेस्क टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।